ओके, वी आर डिस्कसिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मैं ये बता रहा था, ओके ठीक है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फिजिकल क्वांटिटी इन विच रोटेशनल मोशन विच प्लेज द सेम रोल एज मास इन द ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब रोटेशनल मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटी है ये वही रोल प्ले करती है जो मास करता है। मास ट्रांसलेशन मोशन में क्या करता है, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलना चाहेगा वो। ऐसे ही रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर तुम्हें कुछ रोटेट करना है ऑब्जेक्ट, ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ तो वो उसको रोकना मुश्किल होगा, अगर रुका हुआ तो घुमाना मुश्किल होगा, है ना। एंड इट इज इट रजिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन ऑफ द रोटेशनल मोशन। रेस्ट और रोटेशनल मोशन को रजिस्ट करता है वो, रोटेशनल मोशन हो रही है तो उसको भी रोकने से अपोज करेगा, रेस्ट पर है तो रोटेशनल मोशन होने से अपोज करेगा। पॉइंट मास के लिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एम आर स्क्वायर होता है, एम इज द मास, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये 90 डिग्री रहेगा। इनफैक्ट इट विल बी द रेडियस ऑफ दैट रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन, वहां पर जो सर्कुलर मोशन होगा। बट फिर भी आर को ऐसे याद रखो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। यूनिट क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर, मास की केजी, रेडियस की मीटर स्क्वायर, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर पॉइंट मास का। फ्लाईव्हील में बता रहा था, फ्लाईव्हील क्या होता है, एक डिस्क होती है जिसका मास सरकमफेरेंस में ज्यादा रखते हैं, तो उसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, तो वो स्पीड को बढ़ने से भी रोकता है, कम होने से भी रोकता है। तो टू व्हीलर में, कार में, पीछे साइड में इंजन के पीछे लगाते हैं, तो जिस समय पावर स्ट्रोक नहीं है तो उसमें स्पीड ऑफ इंजन टेंस टू रिड्यूस, तो ये व्हील उसको फ्लाई व्हील रिड्यूस होने से रोकेगा। जिस समय पावर स्ट्रोक होता है तो इंजन एकदम सडनली पिकअप करता है स्पीड, उसको भी एडजस्ट करेगा। हैवी फ्लाई व्हील हैविंग मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रजिस्ट द सडन चेंज, सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ इंजन। दो स्ट्रोक, दो दो रोटेशन में एक बार पावर स्ट्रोक होता है, एक बार कंबशन होता है पेट्रोल का, फोर स्ट्रोक इंजन बोलते हैं, तो दो रोटेशन में चार स्ट्रोक हो जाते हैं उसके। इंडक्शन में पेट्रोल जाता है, कंप्रेशन में कंप्रेस होके फिर पावर स्ट्रोक होता है, फिर एग्जास्ट होता है, उसमें से बर्न गैसेस निकलती है। तो फ्लाई व्हील कंट्रोल करता है, स्मूथ रनिंग ऑफ इंजन प्रोवाइड करता है। इट हैज द मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज डिस्क ओनली, ठीक है। तो डिस्क का हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पहले पॉइंट मास का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मल्टीपल मास, सपोज एम वन है, एम टू है, एक और मास कनेक्ट कर दिया एम थ्री, उसकी डिस्टेंस आती है, सब एड अप हो जाएंगे। मल्टीपल मासेस विल बी सिंपली एडेड अप बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो इसके लिए वेक्टर से ऐड नहीं करेंगे, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ गया, ये पॉइंट मास का इजी टू रिमेम्बर, एम आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। उन्होंने बोला टेक द रिजिड रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ लेंथ एल with pair of the small masses rotating. अच्छा ये बताओ, एक पॉइंट और मैं पूछना चाहता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। एक मास मैंने यहाँ भी ले लिया, देखो एक मास यहाँ भी है एम थ्री, तो प्लस एम थ्री इंटू जीरो स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, उसका रेडियस, रेडियस है ही नहीं, एक्सिस पर ही है। पॉइंट मास अगर एक्सिस पे होता है तो उसका जीरो हो जाता है, ठीक है। पॉइंट मास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ गया तो उसका जीरो हो गया, गेटिंग और नॉट, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। अगर पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो उसका जीरो हो जाएगा। ऑलराइट, आगे कहीं ना कहीं तुम्हें ये पॉइंट हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो हम लोग कर रहे थे, तो टेक रिजिड रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास, रॉड का मास नहीं लेना, ऑफ लेंथ एल विद द पेयर ऑफ स्मॉल मासेस
rotating about an axis through the center of the mass of the perpendicular through the center of mass perpendicular to the rod. Axis कैसे जा रहा है? Center of mass से होते हुए perpendicular जा रहा है rod के. Each mass m by 2 is at distance l by 2 from the axis. The moment of inertia of the mass is therefore given by इस एक्सिस की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बोलो. सिंपल क्वेश्चन. एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर. आर कितना लेंगे? एल बाई टू. आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? यस सर. बोलो क्या आंसर है. बोलो कितने आ रहे हैं? एम एल स्क्वायर बाय फोर. इसका आंसर नहीं दिखाएगी. दोनों ऐड हो जाएंगे है ना. तो एम बाय टू इनटू एल बाय टू स्क्वायर प्लस एम बाय टू इनटू एल बाय टू स्क्वायर कितने आ रहा है? ये एम एल स्क्वायर बाय एट आ रहा है प्लस एम एल स्क्वायर बाई एट तो एम एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा. ठीक है. ठीक है आसमा. हाँ सर. तो एम एल स्क्वायर बाई फोर. सिंपल क्वेश्चन. तो भी आगे देखते पॉइंट मास के दो तीन क्वेश्चन और देखेंगे देन विल सी द एक्सटेंडेड बॉडीज. इसका क्या होगा आंसर निकालो. पॉइंट मास ऑफ 2 केजी केप्ट एट. ओके आर यू देयर? हाँ ठीक है. पॉइंट मास ऑफ 2 केजी केप्ट एट कोऑर्डिनेट्स 200,00 सेंटीमीटर फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. वन बाय वन एक्स एक्सिस से पहले निकालना है फिर वाई एक्सिस से निकालना है फिर जेड एक्सिस से. कहाँ पे रखा है देखो. यहाँ के 2 मीटर्स पर है ना. टू हंड्रेड सेंटीमीटर मीन्स 200 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना आएगा बोलो. और 800 आएगा क्या? अरे भैया मीटर में चेंज करो ना उसको. सेंटीमीटर में है बताया ना मैंने. ध्यान नहीं दे रहा क्या? अच्छा व्हाई डोंट यू क्लोज द डोर? अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो डोर बंद करके बैठो है ना. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टरबेंस.
एक्स एक्सिस से कितने आएगा? 40. अभी हमने डिस्कस किया था अगर एक्सिस पॉइंट मास से होके जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एक्स एक्सिस से जीरो. ए पॉइंट जीरो हो जाएगा, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में एक मिनट जो सिचुएशन कैसी हो रही है कि ये एक्सिस है, पॉइंट मास उसके ऊपर ही है ना, इसके एक्सिस से घूम रहा है, लेकिन आर इज जीरो, सिंस आर इज जीरो इसलिए जीरो हो गया. आई वाई कितना होगा? अभी वाई एक्सिस ये है और यहाँ पे कितनी दूरी पर है? 2 मीटर पर है. तो ये वाई एक्सिस से अगर घूमेगा तो अभी कितना हो जाएगा? आई वाई विल बी एम इंटू आर स्क्वायर. यहाँ पर भी एम इंटू आर स्क्वायर है, आई एक्स में भी एम इंटू आर स्क्वायर रहेगा. सिंस आर इज जीरो हियर, एक्सिस के ऊपर ही, यहाँ एक्सिस से कितनी डिस्टेंस, यहाँ एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? 2 पर. तो मास कितना है? 2, और ये 2 स्क्वायर कितना आएगा? 8. और वाई एक्सिस से आई वाई नहीं वाई से हो गया जेड से, जेड एक्सिस ऐसे है और यहां से ऐसे, अभी भी 90 डिग्री होगा, जेड एक्सिस से भी 90 डिग्री होगा ये, यस और नो? ऐसे घूमेगा, जेड एक्सिस से भी ऐसा सर्कल बनेगा, जेड एक्सिस से भी तो वो 90 डिग्री है ना, जेड एक्सिस से भी अगर हम उसको 3 डायमेंशनली देखें, जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 2 मीटर पर ही है, वाई एक्सिस से भी 2 मीटर है, तो फिर से इससे भी उतना ही आएगा, एम आर स्क्वायर 2 × 2² इज इक्वल टू 8 kg, 8 kg मीटर स्क्वायर सेम आएगा ना. तो मेरे डायग्राम इसमें जेड एक्सिस का कैसे, उससे भी सेम सिचुएशन आ रही है ना. क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो. इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं. 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक्सटेंडेड बॉडीज पे देखेंगे. ये अलग बता सकते क्या? देखो देखो, 3 पार्टिकल्स हैं. फाइंड रेफर डायग्राम एंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल of about number 1 x axis, number 2 y axis, about number 1 x axis, bolo. इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो. आई वन कितना होगा? जीरो. ओके, आई टू? आई टू भी जीरो. आई थ्री? आई थ्री के लिए डिस्टेंस कितनी लेंगे? ये ले लेंगे ना, आई थ्री. देखो एक्सेसिस की सिचुएशन कैसी आ रही है, ऐसे आ रही है. देखो एक मास यहाँ पर है,
एक यहाँ पर, एक ऊपर पर है यहाँ पर, ये आर हो जाएगा, ये डिस्टेंस। ये आर होगा कितना? ये एंगल कितना? 60 है ना, तो ये हो जाएगा 2 sin 60 ऐसे। दूर वाली साइड है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, ये 4² - 1² देखो, ये 1 है, ये 4, ये 2 है, तो ये कितनी होगी? √2² दैट इज 4 - 1, √3 आ जाएगा। आर विल बी √3 है ना? यस सर, नो? पाइथागोरस थ्योरम से निकालो चाहे उससे निकालो, तो m इंटू √3² m कितना है? 1 kg, 3 आ गया है ना, केजी मीटर। व्हाट अबाउट दिस वाई एक्सिस? ये आई एक्स हो गया, आई वाई बोलो, उसमें भी i1 + i2 + i3। आसमा को डाउट है यहाँ तक? ओके आसमा, डाउट है कोई यहाँ तक? ओके 5 कैसे? ओके इसका अलग से डायग्राम बनाने के, थोड़ा देखो, ये वाई एक्सिस है, पहला एक पार्टिकल यहाँ पे है देखो, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, ये डिस्टेंस कितनी है? नीचे वाली डिस्टेंस कितनी है? ये 2 meter, ये हाफ, नीचे वाली 2, ऊपर वाली हाफ, सॉरी उसकी 2 का हाफ 1 meter आएगी। ये 1 meter, 1 meter के रेडियस में ऐसे घूमेगा, ये 2 meter के रेडियस में ऐसे घूमेगा, तो और उसका आई वन तो 0 हो जाएगा ना, आई वन यही पर ही है, तो वो तो 0 हो गया, और आई टू जो है 1 × 2² और i3 1 × 1² ये 5 kg meter² ऑलराइट, 5 बोला था तुमने, करेक्ट है। आसमा क्लियर? डिस्टेंस सही निकालनी है ना, तो डिस्टेंस सही निकाल ली तो उसका स्क्वायर भी कर सकते हो, मास से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जहां से एक्सेस जा रहा है उसका 0 हो जाता है। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है देखो तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन भी दिए हैं इसमें, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसका रफ पहले डायग्राम बना लेना, फिर तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वो सही निकालनी तो सही आंसर आएगा, सॉल्व करके भेजो उसको। डन? यस सर। इसको समझो, अपने आप करने की कोशिश करो। आसमान नोटेड? ये ओके, ये अलग क्वेश्चन भी कर सकते क्या तुम लोग? 2 particles ऑफ मासेस m1 and m2 आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर, ये टोटल डिस्टेंस आर दिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम एंड परपेंडिकुलर
टू लाइन ज्वाइनिंग देम. मतलब इस एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं. अभी वो मिड पॉइंट नहीं है, अभी तुम्हें ये सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा. ये आर वन निकालनी पड़ेगी, इधर से आर टू निकालनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा के, है ना? याद है सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते? दो पार्टिकल सिस्टम का हमने बिगनिंग में निकाला था, 1 kg या 9 kg ऐसा था ना, उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाली थी. तो उस फार्मूले से आर के टर्म में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाएगी, आर एंड मास के टर्म में. फिर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर. तो एनी हाउ यू हैव टू फाइंड आउट आर वन, इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस, है ना? इधर से निकाल लो आर वन, ये वाली डिस्टेंस और ये, तब फॉर्मूला लगा दो. फिर एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू, सेंटर ऑफ मास का रिवाइज करके फॉर्मूला करेक्ट निकालो. नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू द आंसर. इसका शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा याद रखने का कैसा तरीका, ठीक है? ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आता रहता है, क्लास में भी पूछ सकते तुम्हें. ऑल राइट, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सी फॉर द एक्सटेंडेड बॉडी, डिस्क का कितना होता, रिंग का कितना होता, है ना? हॉलो स्पीयर, सॉलिड स्पीयर एंड रॉड का, ये 5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेबल है अपनी एनसीईआरटी बुक में, विल लर्न. ये क्लास में हो चुके हैं तुम लोग के, यू हैव डन दिस. पहले थ्योरम कराई गई तुम लोगों को.